दोस्तों आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इस लीनिंग के XP901 पीवी सिंधु एडिशन बैडमिंटन रैकेट का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते होंगे लीनिंग का XP901 पीवी सिंधु एडिशन। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इस बैडमिंटन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू कीजिए, तो मैंने इसको अनबॉक्स तो कर ही लिया है और अब फटाफट से यहाँ पर इसको निकालते हैं और देखते हैं ऐसा है ये बैडमिंटन रैकेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं अर्षित, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स इको यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो दोस्तों फाइनली ये है हमारा बैडमिंटन रैकेट, तो फटाफट से इसको निकाल के देखते हैं कि कैसा है बैडमिंटन रैकेट। लेकिन फिर पहले यहाँ पे बात करें हम कवर की, तो कवर की क्वालिटी गाइस ठीक है, नॉर्मल जो कवर होते हैं उससे थोड़ी सी अच्छी है। राइट, एक बेसिक सा कवर दिया हुआ है स्ट्रैप के साथ में, और क्वालिटी कवर की हम कहें तो ओके ही कहेंगे, ना बुरी ना ज़्यादा अच्छी कह सकते। बेसिक सा एक कवर है यहाँ पे जिसमें आप अपने रैकेट को जो है कैरी कर सकते हो। तो चलो खैर कवर को साइड में रखते हैं। यार लाइक कर दो, लाइक करना फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो कर दो लाइक, देख क्या रहे हो। सो गाइज ये रहा फाइनली हमारा बैडमिंटन रैकेट, जैसे कि आप देख सकते होंगे कुछ इस तरीके का बैडमिंटन रैकेट है लीनिंग का XP901 पीवी सिंधु एडिशन के साथ में। राइट, पीवी सिंधु के सिग्नेचर्स हैं इस पे। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ इस रैकेट के फर्स्ट लुक की, तो कलर इसके अंदर थोड़ा अलग ही तरीके का दिया हुआ है, शाइनिंग टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, और फर्स्ट लुक में ग्रीन और ब्लैक सा लुक है, हालांकि ये कलर मुझे इतना पसंद नहीं है पर आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी तो इसीलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। तो अपीयरेंस वाइज मुझे तो ठीक ही लगा। बस अगर मैं बात करूँ शेप की, तो आप देख सकते होंगे आइसोमेट्रिक इसकी शेप है, आइसोमेट्रिक शेप वाला है बैडमिंटन रैकेट है। और गाइज ये टी जॉइंट वाला बैडमिंटन रैकेट है, जैसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये वन पीस में नहीं आता है। और गाइज ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे फोम वाली हल्की सी ग्रिप दी हुई है, सो ग्रिप जो है वो नॉर्मल से अच्छी लग रही है मुझे। और करीबन 799 के आसपास का, तकरीबन 799 के आसपास का, 799 के आसपास का ये बैडमिंटन रैकेट है। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो ग्रिप है वो ठीक ही कह सकते हैं हम। गाइज अब बात करते हैं यहाँ पर इसके स्ट्रिंग की टेंशन की, तो स्ट्रिंग टेंशन मुझे ठीक ही लग रही है, तो थोड़ी सी आपको आवाज़ सुनवाता हूँ, सुनो। सुना ज़्यादा कहेंगे ना कम कहेंगे, ठीक स्ट्रिंग टेंशन है। इसके अंदर जो स्ट्रिंग टेंशन मिलती है वो 18 से 22 LBS तक की स्ट्रिंग टेंशन इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा ग्रिप साइज की बात करें तो S2 ग्रिप साइज है और एल्यूमिनियम मटेरियल में, बेसिकली ये जो बैडमिंटन रैकेट है एल्यूमिनियम मटेरियल से मिलकर बना है। चलो एक बार इसका जो है हम वेट करके देखते हैं कि एक्चुअली इस बैडमिंटन रैकेट का वेट है कितना। कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये रहा अपना लीनिंग वाला रैकेट और इसका हम देखते हैं वेट कितना है। तो ये मैंने इसको रखा, तो आप देख सकते होंगे तकरीबन 91 ग्राम का जो है बैडमिंटन रैकेट है। सो ये है इसका वेट। तो चलो फटाफट से इससे थोड़ा सा प्लेइंग टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा खेल के देखते हैं कि किस तरीके का ये बैडमिंटन रैकेट है, उसके बाद में फाइनली आपको अपना कंक्लूजन दूंगा। गाइज फाइनली इस बैडमिंटन रैकेट को यूज़ करने के बाद में, इससे खेलने के बाद में, मैं आप सभी से इतना कह सकता हूँ कि इट इज़ ओके बैडमिंटन रैकेट। राइट, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते, ज़्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। राइट, लेकिन ठीक ही है फिर भी बैडमिंटन रैकेट। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो यस आप इसको परचेज तो कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तकरीबन 800 रुपीज़ का ये बैडमिंटन रैकेट है, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो आप इस प्राइस रेंज में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ फिर भी परफॉर्मेंस वाइज और वेट वगैरह ले लें ओवरऑल, सो इट्स ओके। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं इस रैकेट को परचेज करूँ या नहीं, अपना जरूर से कहूँगा कि येस यू कैन गो फॉर इट, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गाइस यहाँ पर एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज मुझे इस बैट के लगी कि ये पता नहीं क्यों यार मुझे थोड़ा हैवी सा फील होता है जब इसको हाथ में पकड़ते हैं ना, तो थोड़ा हैवी फील होता है, ये चीज़ ज़रूर से मुझे इसकी लगी। हालांकि वेट इतना ज़्यादा नहीं है पर फिर भी थोड़ा हैवी फील होता है, पता नहीं क्यों। सो बस दोस्तों यही थी वीडियो हमारे इस लीनिंग के XP901 पीवी सिंधु एडिशन बैडमिंटन रैकेट की। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।